वैसे आपका नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं भाईजान नाम से जाना चाहता हूँ। तो हेलो दोस्तों, सिनेमाघरों में जबरदस्त एक दूसरे को टक्कर देते हुए PS2 और किसी का भाई किसी की जान बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए जा रही है। यस, PS2 ने 5 दिन कंप्लीट करके 6 दिन में एंट्री मार ली है और इसी के साथ किसी का भाई किसी की जान ने भी 12 दिन कंप्लीट करके 13वें दिन में एंट्री मार ली है। तो आज जानेंगे कौन सी फिल्म कितनी कमाई कर चुकी है, पहले दिन किसने कितना कमाया, पब्लिक की तरफ से ज्यादा प्यार कौन बटोर रहा है, टोटल कितनी कमाई कर सकती है ये दोनों फिल्में, क्या एक बार फिर साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड पर भारी पड़ रही है, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी दोनों फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करेंगे पहले PS2 की। तो मणिरत्नम जी के डायरेक्शन में रियलिटी बेस पर बनने वाली द बिगेस्ट हिस्टोरिकल फिल्म PS2 यानी पोन्नियिन सेल्वन 2 को जनता से काफी प्यार मिल रहा है और डायरेक्शन ने जो काम दिखाया है डायरेक्टर साहब ने, वाह जी हाँ, चोला एम्पायर की कहानी बड़े शानदार तरीके से दिखाई गई है बड़े पर्दे पर। जी हाँ दोस्तों, PS2 को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और मूवी में फुल पॉलिटिकल ड्रामा दिखाया गया है, कैसे पॉलिटिक्स खेली जाती है, अपनों को ही मारकर कैसे सत्ता हड़पने के लिए एक से बढ़कर एक षड्यंत्र खेले जाते हैं, सब कुछ बता दूँ तो मूवी को बेहतरीन स्टार कास्ट के साथ सजाया गया है जिसमें आपको चिया विक्रम और ऐश्वर्या राय बच्चन लीड रोल में दिखेंगी, बाकी कार्थी, त्रिषा, ऐश्वर्या लक्ष्मी और जयराम रवि जैसे दिग्गज स्टार भी आपको सपोर्टिंग कास्ट में दिखेंगे। बता दूँ तो दोस्तों, लगभग 350 करोड़ के टोटल बजट में बनने वाली PS2 को पूरी दुनिया में लगभग 4,500 स्क्रीन्स पर रिलीज करा गया था, जिसमें अपने पहले दिन एक हिस्टोरिकल ओपनिंग लेते हुए मूवी ने लगभग 68 करोड़ की बिग ओपनिंग ली थी। इसी के साथ दूसरे दिन भी धमाकेदार ओपनिंग करते हुए इस फिल्म ने 65 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया था और अपने पहले दो दिन का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 135 करोड़ के ऊपर सेट कर दिया था इंडियन बॉक्स ऑफिस से। बता दूं तो तीसरे दिन भी जबरदस्त स्ट्रांग होल्ड करते हुए एक बार फिर ग्रॉस इंडियन कलेक्शन लगभग 40 करोड़ का जबरदस्त आंकड़ा टच किया था। इसी के साथ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 16 करोड़ करते हुए ऑल ओवर वर्ल्ड से कमाई अपने तीसरे दिन भी लगभग 55 से 56 करोड़ के आसपास होल्ड करते नजर आई थी और पूरी दुनिया से तीसरे दिन में लगभग 180 करोड़ तक का आंकड़ा सेट कर दिया था। बता दूं तो दोस्तों, पहले तीन दिन के वीकेंड में जबरदस्त ग्रोथ करते हुए लोगों के दिलों में खूब राज किया है फिल्म ने। वहीं अपने चौथे दिन भी ताबड़तोड़ कमाई करते हुए इंडियन बॉक्स ऑफिस से 25 करोड़ का कलेक्शन किया था और पूरी दुनिया से लगभग 32 करोड़ के ऊपर कमाई अपने खाते में रखी थी। इसी के साथ पांचवें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 15 करोड़ और पूरी दुनिया से लगभग 22 करोड़ की कमाई अपने खाते में रखी थी। बता दूं तो दोस्तों, फिल्म को जैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता की तरफ से, शुरुआती 5 दिन में ही कमाल है। जी हां, अपने बजट की टोटल रिकवरी करते हुए कमाल की ग्रोसर साबित हो रही है PS2 फिल्म। वहीं बात करें आज यानी डे 6 में कैसी ग्रोथ है, तो यस, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन लगभग 12 से 13 करोड़ के आसपास करते हुए पूरी दुनिया से 18 से 19 करोड़ की कमाई अपने खाते में रख रही है फिल्म। दोस्तों नो डाउट, मूवी सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में काफी पसंद करी जा रही है और जिस हिसाब की इसकी ग्रोथ है वो दिन दूर नहीं जब 1,000 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी PS2। बात करें दूसरी फिल्म यानी किसी का भाई किसी की जान की, तो यस दोस्तों, फैमिली ड्रामा और एक्शन से भरपूर फिल्म किसी का भाई किसी की जान सिनेमाघर में जबरदस्त तहलका मचा रही है जिसको ऑडियंस विद फैमिली काफी एंजॉय कर रही है। जी हां दोस्तों, मूवी को फराज साहब जी के डायरेक्शन में लगभग 120 करोड़ के टोटल बजट में बनाया गया है जिसमें आपको बेहतरीन स्टार कास्ट पूजा हेगड़े सेकंड लीड रोल में दिखेंगी भाईजान का भरपूर साथ देते हुए, साथ ही वेंकटेश रघुपति और जगपति जो मेन विलेन हैं, राघव जुयाल, सहनाज गिल, जस्सी गिल और रामचरण जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों मूवी एक एवरेज ओपनिंग लेते हुए पहले दिन 15 करोड़ का कलेक्शन करा था, वहीं दूसरे और तीसरे दिन भी शानदार कमाई अपने खाते में रखी थी और पहले तीन दिन में ही 68 करोड़ का बिग कलेक्शन अपने खाते में रख लिया था। दोस्तों भाईजान के स्टारडम ने और ईद के फुल एडवांटेज ने मूवी को पहले तीन दिन में जबरदस्त बिजनेस दिया, लेकिन चौथे दिन आंकड़ा स्लो डाउन देखने को मिलता रहा। चौथे दिन लगभग 10 करोड़ 50 लाख, पांचवें दिन 5 करोड़ 30 लाख, छठे दिन 4 करोड़ 70 लाख और अपने सातवें दिन भी लगभग 4 करोड़ का ही कलेक्शन करते हुए नजर आई थी फिल्म और पहले हफ्ते का टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 93 करोड़ के ऊपर सेट कर दिया था अपने खाते में और पूरी दुनिया से पहले हफ्ते का कलेक्शन 155 करोड़ के ऊपर सेट कर दिया था। दोस्तों सलमान खान के स्टारडम ने मूवी को जबरदस्त बूस्ट किया है और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिलते हुए मूवी ने जबरदस्त कमाई भी अब करी है। इसी के साथ आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाईजान की कोई
कोई भी फिल्म बुरी से बुरी भी हो उनके नाम से अपनी लागत निकाल ही लेती है ठीक ठाक तरीके से। दोस्तों अपने दूसरे हफ्ते में भी जबरदस्त ग्रोथ के साथ 8वें दिन 2.5 करोड़, 9वें दिन 3.5 करोड़, 10वें दिन 4.5 करोड़ का कलेक्शन अपने खाते में रखा था। इसी के साथ अपने 10 दिन में ही इंडियन बॉक्स ऑफिस से 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया था। बात करें बिग डेज में कैसी ग्रोथ है, तो यस 11वें दिन भी 2.5 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन करते हुए 12वें दिन लगभग 1.5 करोड़ की कमाई अपने खाते में समेट पाई और एजेंट, बैड बॉय और PS2 जैसी फिल्मों को बराबर टक्कर दे रही है और सुपर हिट का टैग लेकर जबरदस्त ग्रो कर रही है। बात करें आज यानी डे 13 में कैसी ग्रोथ है, तो यस 1.3 करोड़ तक होल देखने को मिल रहा है और इसी के साथ एंड ऑफ द डे टोटल नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 109 करोड़ के ऊपर सेट करते नजर आ रही है। वहीं पूरी दुनिया से 172 करोड़ के ऊपर आंकड़ा सेट नजर आ रही है फिल्म। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। पहले तो ये बताएं अगर आपने दोनों फिल्में देख ली है तो बेस्ट मूवी कौन सी लगी आप लोगों को। दूसरा, क्यों भाईजान की फिल्म 500 करोड़ पार करने में दम तोड़ रही है और PS2 क्यों 1000 करोड़ की रेस में आगे निकलती जा रही है। तीसरा, क्यों हर बार बॉलीवुड को खदेड़कर साउथ की फिल्में इतना पसंद करी जाती हैं। फटाफट सब कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।